त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण 2020 के अंतर्गत तैयारी संबंधित बैठक अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण आदि कार्य निर्धारित कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 30 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस नौ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण हेतु निर्धारित समय सारिणी की जानकारी देते हुए बताया गया कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना व सर्वेक्षण करने की अवधि 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच करने की अवधि 6 नवंबर से 12 नवंबर तक, ड्राफ्ट नामावली की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करने हेतु 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसंबर, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण एवं दावे आपत्तियों का प्राप्त हेतु 6 सितंबर से 12 सितंबर तक, दावे आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, दावे आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों का पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, निर्वाचक नामावली का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर 2020 तक निर्धारित है। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश सिंह ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का मॉनिटरिंग करने हेतु आयोग द्वारा ई बीएलओ मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न सूचनाएं दी जाएंगी। बैठक में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व तहसीलदार मौजूद रहे। इसमें हमारे पास 3000 वोटर का देना है तो भी अच्छा मिलता है। जो आपकी मशीनरी है, ब्लॉक वाली मशीनरी, इसमें अच्छा सपोर्ट करती है। इस वजह से वो 3000 मतदाता होंगे तभी उस कार्य को पूरा कर देगा। एक पीडीओ साहब ने सबको ये दिया होगा, इसको भी पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा। इसमें एक तो टाइम टेबल दिया हुआ है कि कौन सा कार्य करना है, तो हमारा 1 अक्टूबर से कार्य शुरू हो जाएगा और पहले ही दिन से हम अगर तेजी से काम कर लेंगे तो हम लोग देश में उस तरह से पिछड़े नहीं रहेंगे। जैसे जब अभी क्या है, आप बीएलओ के कार्य और दायित्व उसको जरूर पढ़ लीजिए। इसलिए कि जब आप बीएलओ को ट्रेनिंग दे रहे होंगे या बात कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसका दायित्व क्या है। अब की बात, बीएलओ को एंड्रॉयड फोन यूज करना है, इसीलिए कहा गया है कि बीएलओ ऐसे लोग हों जो एंड्रॉयड फोन यूज कर लेते हों, उस पर काम कर लेते हों। परंतु हमारी मजबूरी है, हमारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं जो अच्छा काम करती हैं और टेक्नोलॉजिकली वो उतनी एडवांस नहीं होती, परंतु उनको हमें सपोर्ट देने की आवश्यकता है। उसको वो डाउनलोड करेंगे, प्रत्येक सप्ताह जितना भी उन्होंने कार्य किया है उस सबको अपलोड करेंगे। तो फैसिलिटी वहाँ पर हम लोग एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी कह देंगे, रैंक, ये सब आपकी बात बीएलओ को किस ई बीएलओ जो उनको सॉफ्टवेयर होगा उसका भी उनको अपलोड नंबर अपलोड करने हैं। एक बात जो अन्य से मतलब हमारा जो सिस्टम है रेवेन्यू वाला, उसमें जब भी हम कोई सूचना देते हैं तो उसमें क्रमिक लेते हैं, इनको जोड़ करके नहीं लेना है। ये तो साहब इनका ध्यान रखें, बीएलओ को बीएलओ की ट्रेनिंग के समय आप इस बात को बताएंगे। सबसे पहले वो रोना रोते थे कि हमें पिछला मानदेय नहीं मिला है, आपके नियंत्रण में है, मतलब ब्लॉक के माध्यम से होते हैं। तो आप ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, वीडियो साहबन और प्लस जो हमारी सुपरवाइजर सीडीपीओ होती हैं, उनको भी आप सबमिट करें। इसमें सीडीपीओ को कुछ ना कुछ बनाए तो आंगनबाड़ी पर नियंत्रण रखेंगे। अन्य विभाग जैसे केबीएसए हैं, अगर आप शिक्षा मित्रों को लेते हैं, इसमें दिया हुआ है दंडित करने से ऐसा नहीं होता कि वो कार्य कर ही देंगे। यद्यपि जब हमारी पिछली नामावलियां निरीक्षित होती है, डीएम साहब की बैठक होती है, डीएम साहब केवल दंड ही दंड की बात करते हैं। एक भय का वातावरण इसलिए भी रहता है कि उनको ये कार्य करना ही करना है। उसकी भाषा 3 होती थी, उसमें उर्दू में